21C. This exercise is not on graphs, only in notebook. Only no graph. See, now in this exercise, we know how to plot 2 points on a graph paper. ये हमने देखा है ऐसा कि how do we plot 2 points on the graph paper? For example, एक point यहाँ पे है, एक point यहाँ पे है, ठीक है? और फिर हमने सीखा है कि उनको join करके हम line बनाते हैं, correct? तो in this exercise, we will learn to find the distance between two coordinates. मतलब अगर आपको मैंने एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया और एक यहाँ पे दिया और मैं पूछ रहा हूँ कि इनके बीच में का डिस्टेंस बताओ कितना है डिस्टेंस, ओके? तो बिना प्लॉट किए इन कोऑर्डिनेट्स को, देखो प्लॉट करने के बाद स्केल से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना प्लॉट किए भी आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो. कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला से. ठीक है, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लेट्स से ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन द होल स्क्वायर प्लस साइन, बीच में प्लस साइन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर. ठीक है, अब कभी कभी कोई कोई टीचर ऐसा फॉर्मूला भी लिखेंगे, एक्स वन माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू द होल स्क्वायर भी लिखेंगे. ठीक है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर साइन है, स्क्वायर आपको पता होना चाहिए दैट ए माइनस बी स्क्वायर एंड बी माइनस ए स्क्वायर ये दोनों सेम होता है. आप करके देख सकते हो, ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ मुझे. माइनस टू ए बी, करेक्ट. और इसका फॉर्मूला बताओ, आप नंबर से भी सोच सकते हो इसको. कैसे? जैसे 4 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस 5 क्या होता है? माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 1. और 5 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा? 1 स्क्वायर, दैट इज 1. सेम ही हुआ, बरोबर. इसीलिए यहाँ पे आप x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, डजंट मैटर, ओके? बट ज्यादा करके ये यूज करते हैं, ये इसीलिए हम ये यूज करेंगे, ओके? अभी x2 x1 y2 y1 है क्या? ठीक है, व्हाट आर दिस x2 x1 y2 y1? सो इन द क्वेश्चन दे विल गिव यू टू पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल दे टेल यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स 3,5 एंड 6,9, ओके? They are asking you to find the distance between these two points. Okay, so आपको क्या करना है? ये x होता है, ये y होता है, correct? इसको x बोलते हैं, इसको y. X coordinate, y coordinate. X coordinate, y coordinate. तो first point को लो x1, y1. And second point को लो x2, y1. And इसमें put करना है, an answer मिल जाएगा. ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो. आप इसको x1, y1 और इसको x2, y2 भी ले सकते हो. Same answer आएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए? मैं देखो, मैं करके दिखा दूँ एक सवाल. डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस लिख देता हूँ बिकॉज इन पॉइंट्स का नाम नहीं दिया कुछ. अगर समझो इसको P और इसको Q बोलेंगे तो मैं यहाँ पे PQ लिखूंगा, ठीक है? बट उन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो लेट्स राइट डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन. यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, ठीक है? हर सम में आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है क्योंकि फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं, ओके? फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होते हैं, ठीक है? याद रखना है. तो अभी x2 क्या है यहाँ पे? 6. सो 6 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 9 माइनस y1 क्या है? 5 द होल स्क्वायर, ओके? 6 माइनस 3 क्या होता है? 3 स्क्वायर, ओके? इसको ओपन मत करना a माइनस b के फॉर्मूला से,
जरूरत नहीं है ना, नंबर्स है ना, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 4 इज 4 स्क्वायर. नाउ व्हाट इज 3 स्क्वायर? 9. व्हाट इज 4 स्क्वायर? 16. व्हाट इज 9 प्लस 16? 25. सो डिस्टेंस विल बी 5 यूनिट्स. ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा ना, डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स. अब लोग सॉल्व कर लो. दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन 1. Next. Do the sub question 3. Sub question 3. What are the two points? Minus 2 comma minus 5 and 6 comma minus 20. Take the first point as x1 y1, take the second point as x2 y2. वैल्यूज कुट करो, x2 इज 6 माइनस x1 इज माइनस 2. ये ब्रैकेट डालना मत भूलना, 6 माइनस माइनस 2 करेक्ट, x2 माइनस x1, x1 की वैल्यू है माइनस 2. ओके, द होल स्क्वायर प्लस minus 20 minus y1, that is minus 5. So open the brackets, 6 minus minus will become plus, so 6 plus 2 will give me 8. Here minus 20 minus minus is plus 5. So minus 20 plus 5 कितना होता है? Minus 15 the whole square. Okay. So this is 64 plus ये minus 15 का square plus ही होने वाला है. Okay. Minus 10 will go away. So you will get 225. That is 289. That is 17. Units. Next, second one is for homework. Let's do the fourth one, sub question 4.
क्या पॉइंट्स लिए सब क्वेश्चन फोर में, 6 1/2 क्वेश्चन क्या है, 6 1/2 कॉमा -3 3/4 ये है फर्स्ट पॉइंट। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करो क्या मिलेगा, 2 6 12 + 1 13/2 जो पहला होगा 13/2 कॉमा 3 3/4 4 3 12 12 + 3 15 सो -15/4 ओके -15/4 सेकेंड पॉइंट क्या है, -2 2/(-2 1/2 ओके सो दिस इज 2 2 4 + 1 5 सो -5/2 कॉमा 8 1/4 8 1/4 का क्या होगा 4 3 4 8 32 + 1 33 33/4 ये है आपके पॉइंट्स। क्या हुआ, करेक्ट चारों पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है ये है चार पॉइंट्स। अभी वैल्यूज पुट करके डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो वापस, सो x2 क्या है -5/2 माइनस x1 क्या है 13/2 प्लस y2 क्या है 33/4 माइनस y1 क्या है -15/4 एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, नो नीड टू टेक एलसीएम बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगा -5 -13/2 प्लस यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो 33 + 15/4 सो ये क्या होगा -18/2 डबल स्क्वायर प्लस व्हाट इज 33 + 15 48/4 द होल स्क्वायर सो -9 द होल स्क्वायर प्लस 12 द होल स्क्वायर -9 will give me 81 plus 144 that is 225 that is 15 units distance is 15 units Next.
क्या दिया है, 3√3 कॉमा 6 एंड द सेकेंड पॉइंट इज √3 कॉमा 4। ओके, देन ये पॉइंट होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, करेक्ट। इधर देखो, ठीक है। नाउ x2 माइनस x1, ओके, x2 क्या है, x1 क्या है, 3√3 द होल स्क्वायर। y2 क्या है, y2 is 4, ओके, y2 is 4 एंड y1 is 6, सो 4 माइनस 6, ओके, सो √3 माइनस 3√3, √3 माइनस 3√3, ठीक है, क्या होता है, -2√3, ओके, ये रूट, देखो इसका मतलब क्या है, √3 माइनस 3√3 को आप ऐसा भी समझ सकते हो, a माइनस 3a कितना होगा, 2 है, -2a, समझ रहे हो, इस तरह से ही है, √3 माइनस 3√3, ओके, the whole square plus 4 माइनस 6 is -2 the whole square inside the root। तो अभी इसका स्क्वायर कैसे लेंगे, माइनस साइन तो चली जाएगी स्क्वायर में, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, एंड √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, ओके, आपको पता होना चाहिए, √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है, सो 4 × 3 प्लस -2 का स्क्वायर 4, सो 12 + 4 दैट इज 16, the answer is 4 units, okay, Mr. Tanish, please come here, very much, सी, अभी आपके बुक में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है ना ऊपर, ये जो एक्सरसाइज के ऊपर थोड़ा स्पेस है, वहाँ पे मैं कुछ नोट दे रहा हूँ, वो लिखो, या तो पेज के टॉप पे या पेज के बॉटम में, जहाँ भी आपको उस एक्सरसाइज के ऊपर नीचे ही कहीं पे, जहाँ टेक्स्ट बुक में ही लिखना, ठीक है, सो दैट आपको हमेशा याद रहेगा वो पॉइंट्स, जो पॉइंट्स दिया वो लिखो वहाँ पे। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स कॉमा जीरो, अच्छा लिखवाया है, ठीक है, एक बार वापस रिवीजन के लिए याद रखो, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स कॉमा जीरो, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है, जीरो कॉमा वाई, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स कॉमा जीरो, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज जीरो कॉमा वाई, ओके, आपको पता है ना क्यों, जब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे उसकी वाई की वैल्यू जीरो ही होगी, करेक्ट, और जो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होंगे उसकी एक्स की वैल्यू जीरो ही होगी, ओके, तो ये आपको पता है, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स को एक और नाम है एक्स का, ठीक है, क्या नाम होता है, एक्स का एक और नाम है एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ये उनके ऑल्टरनेट नाम है, ठीक है, एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट,
राइट ठीक है तो अभी एक्सरसाइज तो हम देखते हैं अभी क्या दिया है क्वेश्चन नंबर टू सब क्वेश्चन वन क्वेश्चन नंबर टू सब क्वेश्चन वन नाउ सी अंडरस्टैंड ए ए इज अ पॉइंट ए इज ऑन एक्स एक्सिस क्या बोला उन्होंने ए इज ऑन एक्स एक्सिस तो मतलब ए क्या होगा एक्स कॉमा जीरो होगा बरोबर ए इज ऑन एक्स एक्सिस विथ एप्सिसा फोर तो ये जो पॉइंट है ना ए इसका एप्सिसा फोर है एप्सिसा मतलब क्या होता है एक्स मतलब इसके एक्स की वैल्यू फोर है समझ रहे हो ए सबसे पहले उन्होंने क्या बोला ए इज ऑन एक्स एक्सिस ठीक है मतलब वाई तो 100% जीरो होगा और बाद में बोला उसका एक्सिस ऑफ 4 है तो मतलब इस एक्स की वैल्यू 4 है ये है हमारा ए पॉइंट उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया ए पॉइंट ऐसे घुमा के दिया ठीक है ये देखो पॉइंट ए इज 4, 0 एंड बी पॉइंट डायरेक्टली दिया है बी पॉइंट इज -1, -2 नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी तो फाइंड कर लो डिस्टेंस अब सिंपल है This is x1 by 1, x2 by 2. लिखो इस formula और find करो. -5 the whole square -12 the whole square -0 का कोई वैल्यू नहीं सो 25 + 144 दैट इज 169 सो क्या मिलेगा ये भी 13 यूनिट्स सिंपल सेम ही है सिर्फ एक्स के बदले वाई मींस पी इज ऑन वाई एक्सिस जो पॉइंट पी है इट इज ऑन वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस में मतलब इसका एक्स जीरो होगा ठीक है तो जीरो कॉमा वाई ऐसा पॉइंट होता है और आगे एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है हुज ऑर्डिनेट इज 3 ऑर्डिनेट क्या होता है वाई तो मतलब वाई की वैल्यू क्या है ओके एंड द पॉइंट क्यू इज 12, -13 ठीक है अगेन फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू x1 y1 x2 y2 सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज x2 - x1 the whole square + y2 - y1 the whole square
12 square 144 और ये 6 minus 16 square so 144 plus 256 that is 3 question number 3 keep it on hold because it's a very lengthy question to starting mein hi karte starting mein thode simple questions karte fir 3 pe aayenge 4 karte hain question number 4 Question number 4. Find the coordinates of a point on x-axis. So, kya bola hai? Find the coordinates of the point on x-axis. So, point agar x-axis pe hai, matlab wo point kya hota hai? X, 0 hota hai. Okay. Which is equidistant from A and B. Equidistant ka matlab kya hota hai? Equal distance. Equal distance pe. Matlab ye wala point A se aur B se equal distance pe hai. मतलब ए पॉइंट समझो इधर है बी पॉइंट समझो इधर है ठीक है तो ये जो पॉइंट है ना ये इक्वल डिस्टेंस पे है ए से और बी से ओके बीच में है मतलब ठीक है समझो इस पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं बी ओके ए कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 2 -4 एंड बी इज 8, 4 ठीक है नाउ This point, which is on x-axis, is equidistant from A and B. Okay? मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, PA equals PB. ये जो distance है PA और ये जो distance है PB वो same होगा. बराबर? समझ रहे हैं? Equidistant पे है मतलब equal distance पे है मतलब इसका distance और इसका distance same होगा. ठीक है? Okay. PA का डिस्टेंस मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करूंगा PA का डिस्टेंस PB का डिस्टेंस भी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करूंगा और बीच में इक्वल टू साइन रहने दूंगा मतलब PA का डिस्टेंस अगर मुझे करना है ठीक है तो मैं क्या करूंगा इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लूंगा ठीक है अब क्या होगा x2 - x1 ध्यान दो ठीक है x2 - x1 तो क्या होता है x -2 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 0 माइनस y1 क्या है -4 द होल स्क्वायर ठीक है बराबर है इतना सही ठीक है अभी इसको भी थोड़ा सॉल्व कर देता हूं आगे अच्छा यहाँ पे भी लिख देते हैं PB के लिए ये डिस्टेंस है ठीक है अब क्या करो बताए PB के लिए भी हमें x1 y1 x2 y2 लेना पड़ेगा तो ये हमने इसको ऑलरेडी x2 y2 लिया हुआ है ना तो इसको अभी x1 y1 ले लो वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके तो ये हो जाएगा मेरा x1 y1 और ये मेरा हो जाएगा x2 y2 आप एक्सचेंज कर सकते हो किसी को भी आपको चाहिए तो आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले सकते हो ठीक है बट टू अवॉइड एक्स्ट्रा वर्क ये ऑलरेडी x2 y2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे
फिर दूसरे को एक्स वन वाई वन ले लो, ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ। अब यहाँ पे वापस फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन, क्या है एक्स टू, एक्स एक्स वन क्या है एट द होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन द होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बीच में इक्वल टू साइन है, ओके। इफ आई डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, इफ आई डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ओके तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो बचा कैसे, कि अंदर का पार्ट बचेगा, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करूं, एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर, एक्सपांशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, करेक्ट। क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर क्या होता है, फोर माइनस टू ए बी, प्लस जीरो माइनस माइनस फोर क्या होता है, प्लस फोर हो जाएगा, तो जीरो प्लस फोर क्या होता है, फोर ही होता है, तो फोर स्क्वायर, ओके इक्वल्स, अरे हाँ स्क्वायर रूट कट गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं इसको वापस, तो ए स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर क्या होगा, 64 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सो टू ए बी, ओके, प्लस माइनस फोर का स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों कट हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। 4 बचा यहाँ पे, 4 माइनस 2x2, तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4x इक्वल्स नहीं, ये बचा है ना क्या, प्लस 16 इक्वल्स 64 माइनस 2 इंटू 8 कितना होगा, 16x प्लस वापस 16, ठीक है। ये 16 16 भी सेम है दोनों साइड में, इसको भी कैंसिल कर सकते हो चाहिए, ओके, या इसको ऐड भी कर सकते हो, 4 प्लस 16 दोनों भी करो तो एक ही बात है, 16 16 भी सेम है, तो अब क्या बचा, 4 माइनस 4x इक्वल्स 64 माइनस 16x। अब ये 16x को यहाँ पे लेके आता हूँ, माइनस 16x यहाँ पे आके प्लस 16x बन जाएगा, माइनस 4x और ये 4 वहाँ पे जाके माइनस 4 बन जाएगा, सो 12x इक्वल्स 60, तो x क्या मिलेगा, समझ गए, ओके। अब सम खत्म नहीं हुआ है, x फाइव मतलब नहीं नहीं सम खत्म नहीं हुआ है, आपका आंसर क्या होगा, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, तो आपको x की वैल्यू मिली 5, तो ये पॉइंट क्या बना, 5, 0, ये लिखना बहुत जरूरी है, दिस इज योर आंसर, okay, therefore the point on x axis is 5, 0, सेम है।
डन नेक्स्ट सेम सब क्या दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी ऑन वाई एक्सिस इस बार क्या बोला है पॉइंट पी किस पे वाई एक्सिस पे मतलब 0, y हुआ ठीक है सो दैट पी ए इक्वल्स पी बी क्वेश्चन में दे दिया हुआ पी ए इक्वल्स पी बी ठीक है यहाँ पे समझो ए है ये बी है ये हमारी लाइन है ठीक है ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं -2, 4 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5, -3 So again they have said that PA equals PB. दिया हुआ है क्वेश्चन PA equals PB. So इसको आप लो x1 y1, इसको x2 y2, और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको x1 y1. Distance PA का distance equals PB का distance. Okay, what is PA? मतलब ये दो पॉइंट्स का डिस्टेंस तो x2 - x1 मतलब 0 - -2 प्लस y2 - y1 मतलब y - 4 PB के लिए P और B तो x2 - x1 मतलब 0 - -5 ये समझ में आया ना मैंने यहाँ पे x2 y2 लिया था तो इसको मैंने x1 y1 ले लिया ठीक है ठीक है एट ए टाइम या तो ये दोनों सॉल्व होंगे या तो ये दोनों सॉल्व होंगे ठीक है y2 - y1 means y - -3 इसको ओपन करेंगे फॉर्मूला से सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4² -2ab अच्छा ये रूट रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स equals 0 - -5 मतलब 5 हो जाएगा प्लस y - -3 तो क्या होता है y+3 हो जाएगा 4 + y² + 16 - 2 × 4 = 8y equals 5² = 25 plus open this bracket a² + b²
प्लस 2ab मतलब 6y, सही है, y स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, 4 प्लस 16 विल गिव मी 20, 25 प्लस 9 विल गिव मी 34 प्लस 6y. अब क्या करें, इस माइनस 8y को राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, सो 6y प्लस 8y हो जाएगा, नेगेटिव आंसर आएगा. ओके, और ये 34 को यहाँ भेजते हैं, सो 20 माइनस 34, सो माइनस 14 इक्वल्स 14y, क्या मिलेगा भाई, माइनस 14 अपॉन 14 दैट इज माइनस 1. So the point is 0, -1. Y की वैल्यू माइनस वन मिली ना, सो यहाँ पे 0, y की जगह पे, y की जगह पे माइनस वन लिखा, दैट इज योर पॉइंट. That's it for today.